जा सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जा बेटा जा, जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे यार हनी मजा ही आ गया यार, पिक्चर देख के ना मजा ही आ गया यार। क्या पिक्चर थी, तूने देखा हीरोइन कैसे तड़प रही थी यार हीरो के पास जाने के लिए। यार मजा ही आ गया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। पर एक बात बताऊं हनी? हाँ भैया। ये जो सच्चे प्यार वाली बातें होती है ना, ये सब फिल्मों में ही होती है, असली जिंदगी में मैंने तो होते हुए देखा नहीं है। ना ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? वो देख रहा है उस लड़के को, उसका नाम है जोशी। बेचारा सच्चे प्यार और लड़की के चक्कर में ऐसा पड़ा कि आज तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है बेचारा। हाँ यार बेचारा। मिल गया है क्या उससे? चलिए चल यार मिल लेते हैं। देखा हनी, ये है जोशी। बेचारे में सांसें तो हैं लेकिन धड़कने कहीं नहीं है। एक जमाना था हनी, ये इंसान ना अच्छे अच्छों को पंजे में हरा दिया करता था। जोशी 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 जोशी। यस। और आज इसकी हालत देख, बेचारा लड़कियों के चक्कर में ऐसा पड़ा कि अब तक संभल नहीं पाया। हनी आज मैं तुझे बताता हूँ कि लड़कियों का चक्कर आखिर होता क्या है। बिल्कुल भैया। सुनेगा? बिल्कुल। देख यार, इस चक्कर में ना सबसे पहले लड़कियाँ ना हम पर दाना डालती हैं ताकि वो ना हमारे थोड़ा करीब आ जाए और हमारा ध्यान ना उनकी तरफ जाए। आ चल इसको उठाते हैं। आ जा। ए, ए, हीरो इधर इधर, डरे हो क्या? क्या? सुनाई नहीं देता? अरे चिल्लाती क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? हनी तुझे मेरी बात समझ में आ रही है ना यार? आ रही है भैया। देख यार, जब हम लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना, तो वो थोड़ा हमारे और करीब आती है, थोड़ा और करीब आती है। और कितना करीब आती है भैया? अरे तू क्यों करीब आ रहा है यार, तू दूर रहना यार। भैया एक बात बताइए मेरे को, जब लड़की बार बार हमारे इतने करीब आती है तो क्या होता है? अरे यार, जब लड़की बार बार हमारे करीब आती है ना, तो हमारे दिल में भी ना कुछ कुछ होने लगता है। और मालूम है क्या, हम हर वक्त उसके ख्यालों में खोए रहते हैं। अरे जोशी कहाँ गया? अरे जोशी 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 भाई। आजा जोशी, इसे इसे यहाँ लगा दे यार, इसे यहाँ लगा दे, यहाँ पेड़ पे लग जा जोशी, यहाँ लग जा यार, यहाँ लग जा। देख रहे हनी हम पर कैसे लड़कियों का जादू चलना शुरू हो जाता है? हाँ भैया। तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम ना लड़कियों के आगे पीछे घूमने लग जाते हैं, उनकी ना छोटी छोटी बातों में ना इशारे ढूंढने लगते हैं, और बस यहीं से हमारे लपेटे में आने की शुरुआत हो जाती है। राजा बाबू। हाँ। क्या बोल गई कोयल? वो मुझसे कोड वर्ड में बोल गई। क्या? अब्बा डब्बा जब्बा। क्या मतलब? मतलब मैं समझ गया। हुँ? पहले अब्बा को पटाना होगा, फिर डब्बा संभालना होगा, फिर जब्बा जब्बा जब्बा। अरे आते लपेटे में आने के बाद क्या होता है भैया? हनी अब लड़की को भी पता लग जाता है कि जो लड़का है ना वो लपेटे में आना शुरू हो गया है, तो वो जैसे लॉलीपॉप नहीं देते बच्चों को, लड़की भी लड़के को एक लॉलीपॉप देती है। कौन सा वाला लॉलीपॉप भैया? ये वाला। हाँ तो ब्रेक से पहले तुझे मैं क्या कह रहा था हनी? भैया ब्रेक से पहले आप इन लड़कियों के चक्कर के बारे में बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ, देखिए हनी, जब लड़कियों को पता लग जाता है ना कि उनका जादू हम पर पूरी तरह से चल चुका है, तो फिर ना वो हमें इमोशनल करके अपने काम निकलवाने लगती। मैं कौन होती हूँ तुम्हारी? मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। क्यों?
इसलिए कि तुम इस पे शक करते हो कि मैं तुम्हें फंसा रही हूँ। नहीं नहीं शोभा जी, ऐसी बात नहीं है। विनोद है पर भैया आपने तो कहानी में ट्विस्ट लाने की बात कही थी, ट्विस्ट तो अब तक आया नहीं। यार मैं भूल गया, पकड़ पकड़ जोशी को पकड़ पकड़। देख यार, जब हम अपनी जेबें खाली कर देते हैं, लड़की को घुमा फिरा देते हैं, तो लड़की का ना हमसे मन भर जाता है, तो वो ना हमारे दिल की डोर को ना ऐसे काट देती है। नहीं हाँ यार, और इस रिलेशनशिप को तोड़ने का इल्जाम भी ना वो हम पर ही लगाती है, और हम अपनी सफाई देने के लिए दिन रात आगे पीछे उसके घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मोहिनी मेरी बात तो सुनो, कब से तड़प रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। भैया मेरी समझ में आ गया इन लड़कियों का चक्कर, पर आप मुझे एक बात बताओगे, क्या हमें ये देखना चाहिए कि इस लड़की ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर हमें जोशी की तरह अपनी जिंदगी गमों में बिता देनी चाहिए? एक और। अरे यार हनी, पहली बार तेरे इन सवालों का जवाब ना मेरे पास भी नहीं है, आ इन बेचारों को लेके चलते हैं, आ जा। छोटी बातों से है तूने जो सताया मुझे, उंगली पे न चाके तूने चूना जो लगाया मुझे, अरे जा जा।